हेलो एवरीवन, आई एम मधुलिका रोहेला और आज मैं आपको बताऊंगी कि मोबाइल पर हम एमएस एक्सेल में जो एरर आती है उन्हें रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। ओके, मैं कुछ एरर्स के यहाँ पर डिस्कशन करूँगी। तो सबसे पहले, जैसा आपको पता है, मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऐप यूज़ करती हूँ अपने मोबाइल में। तो मैं उसे ओपन कर लेती हूँ, ब्लैंक शीट्स वर्कशीट सेलेक्ट कर लेती हूँ, प्लस के साइन पर क्लिक करा, देन ब्लैंक वर्कशीट पर क्लिक करा। ये आगे मेरी एक्टिव सेल, मैंने इस पर डबल क्लिक करा। सबसे पहले एरर जो हम डिस्कस करें यहाँ पे, हैश डिफ स्लैश जीरो एक्सक्लेमेटरी साइन, हैश डिफ स्लैश जीरो, ये डिवाइडेड बाय जीरो। सपोज हम कोई भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये एरर आती है। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा इक्वल टू, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया A3 सेल, मैंने यहाँ डिवाइड का साइन लगाया, A4 सेल सेलेक्ट कर लिया क्लिक करके, और राइट का बटन है यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखोगे यहाँ पर ये एरर आ गई है। ये एरर और कब आ सकती है? जब हमारा जिस भी नंबर से हम डिवाइड करना चाहते हैं दूसरी जो सेल है वो ब्लैंक हो। तो इक्वल टू मैंने ले लिया ये वाला सेल क्लिक करके AB3 को, देन डिवाइड का साइन लगाया, मैंने फिर क्लिक कर दिया B4 को और राइट बटन पे क्लिक करा, सेम एरर आ गई। ठीक है ना, अगर मुझे इसे ख़त्म करना है एरर को तो कैसे करेंगे? यहाँ पर एक नंबर डाल देंगे कोई सा भी, एरर ख़त्म हो जाएगी सेम एज इन दिस सेल। इसे मैंने नंबर डाल दिया और मेरा एरर ख़त्म हो गया। दूसरी एरर जिसके बारे में बात करेंगे वो है हैश नॉट अवेलेबल। तो जब हमारा डेटा अवेलेबल नहीं होता है तब हमें ये एरर मिलती है, हैश नॉट अवेलेबल। सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है और उसमें कहीं नॉट अवेलेबल आ रहा है तो कुछ भी कैलकुलेशन कैसे हो सकती है ना, क्योंकि वो सेम डेटा नहीं है, वहाँ स्ट्रिंग नहीं है, वहाँ पे कोई नंबर नहीं है। मैंने यहाँ ऐसे ही कॉपी कर दिया है तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्लैश नॉट अवेलेबल है ना, मैंने यहाँ लिख दिया नॉट अवेलेबल। अब सपोज मुझे इसे सम करना है तो मैंने लिखा यहाँ पे सम, पैरेंथेसिस लगाए, क्लिक करा आपने A9 को, कॉमा लगाया, A10 को कॉमा लगाया, A11 को पैरेंथेसिस लगाया, राइट पे क्लिक करा, नॉट अवेलेबल एरर हमारे पास आ गई। ठीक करना है तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे कुछ भी, तो हमारे ये जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। थर्ड एरर जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो है हैश वैल्यू एरर। हैश वैल्यू एरर, ओके। अब ये एरर क्यों आती है? सपोज मैंने एक वैल्यू ली यहाँ पर 20 और यहाँ पर मैंने ले लिया दूसरा जो सेल है नॉट अवेलेबल वैल्यू है इसके अंदर, और मैं इन दोनों को प्लस कर रही हूँ। यहाँ सपोज मैं यहाँ पर कर रही हूँ इक्वल टू A16 प्लस बाय A17 और मैंने राइट क्लिक करा तो मेरे पास ये हैश वैल्यू एरर आ गया। ठीक करना है, कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो एरर है हमारी वो चली जाएगी। मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है और मेरी एरर गायब हो गई है। थर्ड एरर है हमारी हैश नेम एरर, हैश नेम एरर। ओके, ये एरर कब आती है? गलती से सपोज हम अपने जो फंक्शन का नाम है वो गलत लिख देते हैं। कोई भी वैल्यू मैं डाल देती हूँ यहाँ पर, सम करते हैं इनको, मैं सम की जगह यहाँ पे सन कर देती हूँ और इसको सब कुछ वैसे ही करती हूँ बट सन कर देती हूँ, तो ये देखिए एरर आ गई। क्या करूँगी मैं इसको ठीक करने के लिए? सन को सम कर दूंगी और मेरी एरर खत्म हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, बाय बाय।